बॉस सीजन 17 के फर्स्ट फाइनलिस्ट और बिग बॉस सीजन 16 की एक्स कंटेस्टेंट प्रियंका चहर चौधरी उड़ारिया शो की लीड एक्ट्रेस ने अभिषेक और ईशा को लेकर दिया बड़ा बयान। ईशा और समर्थ के ब्रेकअप पर प्रियंका ने तोड़ी चुप्पी। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस की शेरनी कहे जाने वाली प्रियंका चहर चौधरी, बिग बॉस सीजन 16 की शेरनी आप इनको ज़रूर कह सकते हो। प्रियंका चहर चौधरी ने अपने आप को अकेले अपने दम पर प्रूफ करके दिखाया था कि क्यों वो लड़कर जीतने वाली लड़कियों में से एक है। वो अकेली शेरनी के नाम से भी फेमस है। प्रियंका चहर चौधरी ने बिग बॉस सीजन 16 में जो राज किया था, वाकई में सबका दिल जीत लिया था। लेकिन एक बार फिर प्रियंका चहर चौधरी का नया म्यूजिक वीडियो आ चुका है और अब यहाँ पर प्रियंका ने अभिषेक कुमार को जिस तरीके से बिग बॉस के घर में सपोर्ट किया था और बिग बॉस के बाहर भी प्रियंका और पूरी की पूरी उड़ारिया की टीम रादर देन ईशा मालविया, उन्होंने अभिषेक को सपोर्ट किया। अंकित गुप्ता के छोटे भाई भी माने जाते हैं अंकित गुप्ता, ने अभिषेक कुमार को बिग बॉस तक ले जाने का काम किया था। खुद अभिषेक ने इस बात का खुलासा किया था। अब प्रियंका से पूछा गया कि क्या वाकई में अभिषेक और ईशा के ब्रेकअप के बाद समर्थ के ब्रेकअप पर प्रियंका ने पहली बार अपना बयान दिया है। प्रियंका चहर चौधरी ने कहा कि अभिषेक जो है वो ईशा से जितना ज़्यादा दूर रहे उतना अच्छा हुआ, कि उसने ईशा से बिग बॉस के घर में ही दूरियाँ बना ली थी। अभिषेक को लेकर हमेशा से ही प्रियंका बहुत ही सपोर्टिव रही है। प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता उनके सपोर्ट सिस्टम हैं। ये बात खुद अभिषेक ने इस बात का खुलासा कई सारे इंटरव्यू में किया है। प्रियंका ने कहा कि मैं किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, सभी ने अपने पर्सनल लाइफ होते हैं। ईशा मालविया अपनी लाइफ जी रही हैं। ईशा मालविया एक अच्छी लड़की है, मेरे साथ उन्होंने काम किया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ईशा गलत लड़की है, लेकिन किसी के रिलेशनशिप पर कहना बिल्कुल गलत है। कमेंट नहीं मैं करना चाहूँगी, बस मैं अभिषेक के लिए ये कहना चाहूँगी कि अभिषेक खुश रहे, अभिषेक ईशा से दूर रहे, अभिषेक की लाइफ में वो आगे बढ़े। लेकिन ईशा और समर्थ का जो ब्रेकअप हुआ है उस पर फाइनली प्रियंका ने कहा कि ये दो लोगों का डिसीजन होता है। अगर ईशा को नहीं रहना समर्थ के साथ तो वो ईशा का डिसीजन है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समर्थ का ब्रेकअप हुआ है, इसकी भविष्यवाणी अभिषेक ने बिग बॉस के घर में ही कर दी थी। प्रियंका ने कहा, जब अगर अभिषेक को धोखा दिया ईशा ने, तो ईशा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो दो चार महीने के प्यार को ठुकरा दे। और समर्थ के साथ भी वही चीज़ें हुई हैं। समर्थ और ईशा अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। और इस पर प्रियंका ने इनडायरेक्टली अभिषेक का सपोर्ट किया है, ये कहकर कि अभिषेक ने बहुत ही अच्छा काम किया है ईशा मालविया जैसी लड़की से दूरियां बनाकर। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में प्रियंका चहर चौधरी के इस बयान पे आपका क्या है ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।